देखो, लास्ट टाइम हमने शीट नंबर 73 स्टार्ट की थी। इसके अंदर हमने टॉर्क से शुरू किया था। वैसे टॉर्क का फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ, रेयर केस है जिसमें ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। मतलब चल भी जाता है, नहीं भी चलता, पर हमने एक शॉर्टकट देखा था कि अगर आप एक फोर्स लें और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस लें, एफ इंटू डी हमने डराइव किया था, तो टॉर्क बहुत इजीली आ जाता है। जैसे मैंने इस एग्जांपल में आपको लगा के भी दिखाया था कि अगर मान लो ये एक पॉइंट पी है जिस पे फोर्स एफ है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लो क्वेश्चन में गिवन है ओ इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये फोर्स वेक्टर है और इस फोर्स वेक्टर का एक्सिस मैंने कहा था डॉट 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 ज्वाइन कर लो तो पूरा एक्सिस हो जाएगा। फोर्स का एक्सिस और फोर्स क्योंकि एक्स एक्सिस में है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई में निकलेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, टॉर्क आएगा। तो सीधा लगाएंगे एफ इंटू एच इज टॉर्क। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक। इसके बाद हमने इसमें एक प्रॉब्लम में लगा के भी दिखाया था, फिर कपल किया था। कपल में एक शॉर्टकट ही याद कर लिया कि अगर कपल का मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ डी, और इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस को कपल बोलते हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा एफ इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने किया। नेक्स्ट है, फिर हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट किया था, और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ये चीज की थी कि नेट जो इक्विलिब्रियम, अगर मान लो रोटेशनल, या मान लो जैसे ये एक नाइफ वाली प्रॉब्लम मैंने बताई थी कि मान लो दो नाइफ हैं और इसके ऊपर एक स्टिक को या रॉड को हमने टिका के रखा हुआ है, और ये ना तो ऊपर जा रहा है, ना ये नीचे आ रहा है, ना ये लेफ्ट जा रहा है, ना ये राइट जा रहा है, तो ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में तो है ही है। और ये घूम भी नहीं रहा, क्योंकि अगर मैं एक तरफ से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये रॉड घूमती हुई नजर आएगी आपको, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, और आपको एन वन एन टू फोर्स निकालनी है। तो इस केस में ये एन वन है, ये एन टू है, ये सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास के ऊपर वेट कितना लग रहा है, 4g गिवन है, एक और वेट लग रहा है 6g एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर गिवन है, आपको ये गिवन है कि इस सेंटर ऑफ मास से इस नाइफ का डिस्टेंस 25 है और ये 35 सेंटीमीटर गिवन है। तो मैंने बताया था कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में भी है। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का मतलब कि अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट की फोर्स। तो अपवर्ड की फोर्स कितनी है, एन वन एन टू, और वेट कितना है इसका, 6g और 4g। तो एन वन प्लस एन टू इज इक्वल टू 6g पर प्लस 4g। ये क्वेश्चन में एक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम मैंने इसमें बनाया। फिर मैंने कहा था कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम बनाएंगे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए सिंगल पेज वाली एक ऑब्जेक्टिव, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, उसमें ये बताया था कि ये घूमेगी नहीं, और अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस में घूम नहीं रही तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है, पॉइंट ऑफ रोटेशन जो है वो सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो फोर्स लग रही है ये टॉर्क में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, मान दे टॉर्क में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सिस के ऊपर ही अगर फोर्स लगे तो एक्सिस से उसका डिस्टेंस जीरो हो जाता है, तो टॉर्क नहीं लग पाएगा। तो इसके अंदर टॉर्क कौन लगाएगा, 6g लगाएगा, n1 लगाएगा और यहां से n2 लगाएगा। तो 6g कितना टॉर्क लगाएगा, 6g इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। n1 कितना लगाएगा, n1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। n2 कितना लगाएगा, n2 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 35 सेंटीमीटर। अब देखना यह है कि कौन क्लॉकवाइज लगाएगा, कौन एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा। टॉर्क निकालना तो आ गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए साफ पता लग रहा है कि अगर ये फोर्स ऊपर की तरफ लग जाए तो रॉड एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, ये फोर्स अगर ऊपर लग जाए तो ये रॉड क्लॉकवाइज घूमेगी, ये फोर्स 6g नीचे लग जाए तो रॉड एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क जो है इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनको इक्वेट करेंगे तो कौन सा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। वहां से n1 n2 कैन बी कैलकुलेटेड। आज का पूरा लेक्चर सिर्फ इस प्रॉब्लम के ऊपर ही है, और ऐसी प्रॉब्लम्स के ऊपर ही है जिसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम आज हम डिस्कस करेंगे, और बाकी प्रॉब्लम्स आप जो है सॉल्व करोगे थोड़ी देर में। तो इसको करने के लिए जैसे सपोज करो आपके पास ये एक प्रॉब्लम है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये लैडर वाली प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के केस में।
ठीक लैडर वाली प्रॉब्लम्स, उनको बुला लो। देखो तो लैडर वाली प्रॉब्लम के अंदर आपको यह गिवन है कि सपोज दो लैडर्स हैं, दिख रहा है दो लैडर्स हैं, इन दो लैडर्स के ऊपर कोई एक बंदा बैठा है, ये बैठा जिसका वेट कितना है, W वेट है, फ्रिक्शन नहीं है। आप मुझे ये बता दो कि अगर आप ऐसी सीढ़ी लेके आते हो और जिसके ऊपर आप बैठ जाते हो और फ्रिक्शन नहीं है, पक्का सीढ़ी फिसलेगी, फिसलेगी ऐसे ऐसी पड़ी हुई है ना, तो आप बैठ जाओगे तो ये फिसल नहीं जाएगी यहां से। आप जब नॉर्मल सीढ़ी एल्यूमिनियम की घरों में जैसी पड़ी होती है उनको वो ना फिसलें, क्योंकि लोग खड़े हो जाते हैं तो ऐसी सीढ़ी एल्यूमिनियम की देखी होगी अगर आपने, तो उसके ऊपर लोग वो क्यों नहीं फिसलते, क्योंकि एक तो रबड़ की नीचे वो लगी होती है, नीचे शूज लगे होते हैं उसके ताकि वो फिसले ना, दूसरा उसके साथ साथ एक धागा, एक स्ट्रिंग होती है, रस्सी होती है जो दोनों सीढ़ियों के बीच में लगी होती है, तो होगा क्या कि वो दूर नहीं जा पाएंगी क्योंकि रस्सी में टेंशन हो जाएगी। अगर रस्सी काट दी मैंने फिर तो पक्का फिसलेगा फिसलेगा, तो इसमें फ्रिक्शन नहीं है, इसमें ये रस्सी की टेंशन है जो इसको जो है जो ये जो लैडर है ये फिसल नहीं पा रही। दो ही चीज रोक पाएंगी ना, तो फ्रिक्शन होनी चाहिए या रस्सी बांध के रखो। क्लियर है यहां तक? रस्सी में टेंशन TNT आ चुकी है, यहां इस ग्राउंड पे नॉर्मल फोर्स कितनी है N1 है, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है N2 है, डिस्टेंसेस में ये x और x है और ये डिस्टेंस y है और वेट W है। क्वेश्चन में गिवन है ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, बस गिवन है, फाइंड N1 N2 ये क्वेश्चन है, नो फ्रिक्शन। क्वेश्चन समझ में आ गया यहां तक कि इसमें आपको क्या निकालना है, आपको इसमें N1 N2 निकालना है और फ्रिक्शन नहीं और इक्विलिब्रियम में गिवन है। अब इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, दो, एक होता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब व्हेन अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एंड लेफ्ट की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट की फोर्स, तो एक तो वो इक्विलिब्रियम है और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। पता लगे कि अगर वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो देखो रॉड कैसे घूमेगी, ये इसका एक्सिस है, इधर देखो जरा ये हिंज की तरह काम कर रही है मेरी फिंगर्स यहां पे, ये देखो, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट सीढ़ी घूम सकती है टू एंड फ्रो, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो मैं ओ पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क को क्या करूंगा, जीरो, यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को मैं बैलेंस करूंगा। तो कैसे करूंगा इसको समझने आपने, सबसे पहले रूल नंबर 1, ये पूरा सिस्टम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, और जब मैं बोलता हूं ट्रांसलेशन के इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ऊपर की फोर्स कितनी है N1 एंड N2 और नीचे की फोर्स कितनी है W, तो ठीक है पहली क्वेश्चन तो बहुत ही क्लियर है, N1 प्लस N2 मस्ट बी इक्वल टू वेट W, कोई डाउट इसमें, N1 N2 का वेट जो फोर्स है अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, पहली क्वेश्चन है, कोई डाउट इसमें। लेफ्ट और राइट की कोई फोर्स मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स का तो इसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं। अब बात करते हैं टॉर्क की, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर एक काम करते हैं, लेफ्ट लैडर लेते हैं या राइट लेते हैं, पहले लेफ्ट पे, क्योंकि लेफ्ट की लैडर भी इक्विलिब्रियम में है और राइट की लैडर भी इक्विलिब्रियम में, आपको दो दो लेने की जरूरत नहीं है, एक साइड ले लो कोई भी, क्योंकि जो डायग्राम एक साइड का बनेगा वही डायग्राम सेकेंड साइड का भी सेम बनेगा। तो मैंने एक लैडर ली गेरी, इस लैडर के यहां पर वेट कितना एक्ट कर रहा है बताओ, वेट W, इस लैडर के यहां पर नॉर्मल फोर्स कितनी लग रही है N1, यहां पर टेंशन कितनी है T1, W, T1, N1, को डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। अब इसके अंदर W, T1 और N1 एक्सिस ऑफ रोटेशन की अगर बात करें तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है O, ठीक, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है O, तो बस मुझे आप ये बताओ कौन सी फोर्स इसमें क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगी और कौन सी एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूं, W फोर्स क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगी कि एंटी क्लॉकवाइज, कितने लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, कितने बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, कितने बोलते हैं करेगी नहीं, आंसर करेगी नहीं है, क्यों करेगी, यही तो एक्सिस है, इसी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो एक्सिस और फोर्स का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये तो टॉर्क जनरेट करेगी ही नहीं, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो इस केस में ये
फोर्स को लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अगर कोई फोर्स एक्ट करती है वो टॉर्क जनरेट नहीं करती। तो इसको हटा देता हूं, ऐसे पूछना चाहता था, पर देखना तो पड़ेगा ही ना, कल को आपको पता तो होना ही चाहिए कौन सी फोर्स टॉर्क में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती। तो कोई भी फोर्स अगर एक्सिस के ऊपर काम करती है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे एक्ट करती है, वो टॉर्क जनरेट नहीं करती। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप हिंजेस के ऊपर ही फोर्स लगाओगे दरवाजे के हिंजेस के ऊपर, तो टॉर्क कैसे जनरेट होगा। क्लियर यहां तक? अब बची दो और फोर्सेस, फिर क्वेश्चन पूछता हूं। पहला, T1 फोर्स क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगी कि एंटी क्लॉकवाइज? थोड़ा अब रुक गए, सोच के बोल रहे हैं। फिर कितने लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, कितने बोलते हैं क्लॉकवाइज? ओके, N1 फोर्स कैसे जनरेट करेगी, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। कितने बोलते हैं क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। अंदाजे से बोल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे इसको फिक्स कर दो, हिंज कर दो और इसको घुमाओगे, यार ऑब्वियसली अगर कोई यहाँ पे फोर्स लगाएगा तो पक्की बात है रॉड ऐसे घूमेगी और कहाँ जाएगी। और अगर ऐसे फोर्स लगाएगा तो रॉड एंटी क्लॉकवाइज तो घूमेगी, और ऐसे हर कोई ऐसे सोच रहा होगा कि अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्वियसली ये तो फिक्स है ना, रॉड घूम सकती है इस फिक्स एक्सिस के अबाउंड। तो अगर मैं टेंशन यहाँ लगाऊंगा, फोर्स यहाँ लगाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो क्लॉकवाइज, ऐसी सोच रहा है हर कोई, सही सोच रहा है। बट थोड़ा और बेटर तरीका, फ्रिक्स का तरीका यूज कर लेते तो अपने मन में देखो एक चीज आप बना सकते हो कि जो टॉर्क होता है नॉर्मली हम उसको ऐसे डिस्कस करते हैं कि ये मान लो एक्सिस है, ये रॉड है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दरवाजे भी देखे होंगे आपने, डोर्स, डोर पे हैंडल लगे होते हैं बिल्कुल कॉर्नर पे, क्योंकि डोर जो है वो यहां से हिंज्ड है, ये डोर है दरवाजा है, यहां से हिंज्ड है, दो हिंजेस लगा दिए, हैंडल को बिल्कुल परपेंडिकुलर लगाया जाता है, यहां पे परपेंडिकुलर, बंदा बिल्कुल फोर्स परपेंडिकुलर लगाता है। देखो आर एफ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एकदम टॉर्क जनरेट होता है। बिल्कुल वैसे ही अगर ये हिंज यहां से हिंज्ड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और अगर फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगेगी तो रॉड ये ऐसे घूमेगा, डोर ऐसे घूमेगा, और अगर हैंडल यहां लग जाए तो डोर यहां घूमेगा। यही लॉजिक है ना, सेम है, इसमें भी एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे टेंशन यहां पे लगी, अब एक चीज देखो, टेंशन का एक कंपोनेंट अगर मान लो कोई एंगल, इमेजिन कर लो, करने की जरूरत नहीं, अपने मन में इमेजिन करना, कोई एंगल तो होता ही होगा, इस टेंशन का एक कंपोनेंट यहां एक्ट जरूर करता होगा, और एक कंपोनेंट रॉड के परपेंडिकुलर होता होगा T1 साइन थीटा, एक रॉड के अलोंग चला गया और एक रॉड के परपेंडिकुलर चला गया, ठीक, इमेजिन कर पा रहे हो इसे? तो ऑब्वियसली रॉड के साथ जाती हुई फोर्स कभी भी टॉर्क जनरेट नहीं कर सकती, भाई जो एक्सिस की तरफ फोर्स जा रही है वो टॉर्क कैसे जनरेट करेगी। जैसे ये फैन है, अगर ये मान लो रॉड है या फैन का विंग है, और अगर मैं फोर्स इसके अलोंग लगाता हूं तो फिर टॉर्क कैसे जनरेट होगा, मेरे को इस लेंथ के परपेंडिकुलर या किसी एंगल पर फोर्स लगानी पड़ेगी तब टॉर्क जनरेट होगा, इसके होता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही अगर रॉड के साथ ही फोर्स लगाऊंगा और सोचूंगा कि रॉड अब ऐसे ऐसे मूव करेगी, कैसे मूव करेगी, नहीं मूव करेगी, राइट, तो ये टॉर्क में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, ये करेगी। अब इमेजिन करो यहां से पॉइंट फिक्स्ड है और आप फोर्स यहां लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली ये कैसे घूमेगी रॉड, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये मेरी तरफ आ रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बिल्कुल वैसे ऐसे इमेजिन किया जा सकता है कि मान लो ये एंगल थीटा डैश है, एक कॉम्पोनेंट तो ये हो जाएगा और दूसरा कॉम्पोनेंट N1 into sin of theta dash ही हो जाएगा। अब ये वाली फोर्स तो टॉर्क जनरेट नहीं करेगी पर ये करेगी, और अगर मैं इस लेंथ के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाता हूं तो सोचो मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं तो रॉड कैसे मूव करेगी, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये वाली फोर्स कैसे टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या करेगी, क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में इक्वल हो जाए तो फिर कोई टॉर्क उसमें, नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो, और रॉड किस में रहेगी, इन इक्विलिब्रियम। ये एंगल्स उंगल्स आपको बनाने नहीं है, जस्ट मन में, जस्ट एक तरीका बता रहा हूं कि आप मन में सोच सकते हो कि अगर एक परपेंडिकुलर फोर्स मुझे मिल जाए तो डायरेक्शन सोचनी इजी हो जाएंगी आपके लिए, हालांकि आप अपने अंदाजे से अपना आंसर दे पा रहे हैं। अगर आपको सीधा वैसे ही पता लग रहा है कि इस केस में बिना कॉम्पोनेंट्स के ही अगर आपको पता लग गया कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरे हिसाब से आपको कॉम्पोनेंट ड्रॉ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर अगर नहीं पता लगता, आप फंस जाते हो,
फिर प्लीज ड्रॉ द कॉम्पोनेंट्स, और वो कॉम्पोनेंट ही आंसर देगा कि वो रॉड कहाँ मूव करेगी, इन एमरजेंसी काम आएगा। हालांकि काफी 99% केस में लोग वैसे ही बता देते हैं कि क्लॉकवाइज लग रहा है या एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो उनको इतना सोचने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये फिर से सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक फोर्स कितनी है N1 है, और एक फोर्स यहाँ पर कितनी है T1 है। तब T1 क्योंकि जैसे आपने बताया कि कैसे टॉर्क जनरेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और N1 कैसे करेगा क्लॉकवाइज, तो इस केस में टॉर्क निकालते हैं। देखो कैसे, T1 एक फोर्स है, फोर्स का एक्सिस, अगर मैं फोर्स के एक्सिस की बात करता हूं, पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन देख लो, ये देख रहे हैं, ये जो पेन बोर्ड के अंदर जा रहा है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, राइट। तो इमेजिन करना है इस एक्सिस के अबाउट रॉड घूमेगी, ये इमेजिन कर लिया। अब आपने इसमें जो टॉर्क निकालना है, तो इस टॉर्क के लिए ये T1 फोर्स है, T1 फोर्स है, और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये फोर्स का एक्सिस है और ये रोटेशन का एक्सिस है, फोर्स का एक्सिस एंड रोटेशन के एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो टॉर्क क्या होगा T1 अगर x एक्सिस में है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस एक्सिस में मिलेगा आपको, y एक्सिस में, तो T1 इनटू दिस डिस्टेंस। डायग्राम में आए T कर लो, चलो एक ही बात है, तो यहां पर ये T फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस जो कि कितना है y, तो टॉर्क समझ में आया, इसमें T इनटू क्या आएगा y, और ये टॉर्क कैसे घुमा रहा है इसे एंटी क्लॉकवाइज। अब N1 की बात करते हैं, राइट, N1 कितना टॉर्क जनरेट करेगा, ये N1 का एक्सिस है, मैं 2 मिनट के लिए इस एक्सिस को आगे ड्रॉ कर रहा हूं, ऊपर ये देखो, ये फोर्स का एक्सिस है, और फोर्स का एक्सिस किस एक्सिस में है, अलोंग वाई एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी दूरी कितनी है, यहां पर ये रही, इधर आए, ये N1 है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये डिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है यहां से एक्स, तो यहां पर क्या आएगा N1 इंटू एक्स, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो फोर्स अगर वाई एक्सिस में है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस एक्सिस में मिलने वाला है, एक्स एक्सिस में, तो आप चेक कर सकते हो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ये इमेजिनरी बनेगा जो कि एक्स बनेगा। तो मुझे पता है कि N1 और T दो अलग अलग डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं ऐसा कर सकते हैं N1 का प्रोड्यूस किया हुआ टॉर्क और T का प्रोड्यूस किया हुआ टॉर्क एक दूसरे को इक्वेट कर देते हैं, ये इससे क्या एस्टेब्लिश हो गई, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। तो ये क्या आ गया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 N1 इज dy/x, और पहली इक्वेशन क्या थी, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू W, तो वहां से हमने N1 तो निकाल ही लिया, N1 को अब यहां पे पुट कर देंगे dy/x, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी N2 की, तो N1 N2 कैन बी कैलकुलेटेड, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, N1 N2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है इसमें, ठीक है यहां तक, तो N1 N2 कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट है, सेम टाइप की प्रॉब्लम है जिसके अंदर एक थोड़ी सी करेक्शन है, करेक्शन कर लेना प्लीज, x3 ये डिस्टेंस नहीं है, प्लीज x3 ये डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x3 है, मैंने गलती से वर्टिकल बना दिया, इसको कट करो, x3 को ये बनाओ, ये x3 है, छोटा सा डिस्टेंस x3 है, ये ड्रॉ करो, ठीक है यहां तक, करेक्शन क्लियर है, ये x3 नहीं है, ये x3 है, देखो तो इस केस में स्टार्ट करते हैं, फिर से वही लैडर है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, वही वायर है जो लैडर को फिसलने से रोक रही है, टेंशन TNT है, इस बार कोई, पहले एक बंदा बैठा था यहां पर, नहीं बिठाना,
वैसे किसी ने एक वेट टांग दिया W, इस लैडर के ऊपर वेट टांग दिया। अब वो कह रहे हैं ये पूरा सिस्टम अब भी इक्विलिब्रियम में है, तो बताओ इस केस में फिर N1, N2 या जो भी है वेरिएबल्स कैसे निकलेंगे। तो फिर से एक बार इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम दो टाइप के हैं, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। ट्रांसलेशन का मतलब अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, या फिर लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स। लेफ्ट और राइट की फोर्स तो दिख नहीं रही, अपवर्ड फोर्सेस का टोटल सम कितना है N1 प्लस N2, और डाउनवर्ड फोर्स कितनी नजर आ रही है आपको W। तो पहली क्वेश्चन क्लियर है, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू W। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का एक्सिस डिसाइड कर लो। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का एक्सिस O है, तो O पॉइंट के अबाउट रोटेशन होगी। जो O पॉइंट है उसके अबाउट रोटेशन होगी, तो ये आपका O पॉइंट है। इसके अबाउट रोटेशन के लिए एक काम करते हैं, लेफ्ट लैडर फिर से बना लेते हैं और टॉर्क की क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके पास लेफ्ट लैडर है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन है, O पॉइंट है। अगर फोर्सेस की बात करते हैं तो ये कितना है N1 है, ये कितना है T है, और ये कितना है वेट W है। तीनों के तीनों टॉर्क लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी फोर्स एक्सिस के ऊपर एक्ट नहीं करती, तो तीनों लगाएंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। टेंशन T टॉर्क कैसे लगाएगी, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? तो ये टेंशन T आप कहते हो रॉड को ऐसे मूव करवाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, W कैसे मूव करवाएगी? कितने लोग बोलते हैं W वेट इसको इधर जाने से रोकेगा, और कितने कहते हैं कि इधर लेके जाएगा? कितने लोग कहते हैं मतलब कि क्लॉकवाइज, कितने बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है अभी भी। ओके, और N1 फोर्स क्लॉकवाइज। तो जिनको मेरी तरह नहीं दिखता, कोई बात नहीं, तरीका है हमारे पास। वो अपने मन में सोचे कि N1 का एक कॉम्पोनेंट तो रॉड के साथ है और एक ये रहा, तो एक्चुअल में तो ये कॉम्पोनेंट रॉड को कैसे, अब सोचो ना, ये रॉड है, ये बांध दी मैंने यहां से, फिक्स कर दिया। अगर आप फोर्स को इस एंड पर ऐसे लगाएंगे परपेंडिकुलर, तो रॉड तो ऐसे मूव करेगी ना, रेड वाली जो कलर की रॉड है, अगर आप फोर्स को इसके परपेंडिकुलर ऐसे लगाएंगे तो रॉड ऐसे मूव करेगी। तो वही बात कह रहा हूं मैं, ऐसे फोर्स लगाएंगे तो कैसे मूव करेगी, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना, यहां तक मन में सोचना है, ड्रॉ नहीं करना, वैसे बता रहा हूं कि ऐसे कर सकते हैं। उसी तरीके से टेंशन T का एक कॉम्पोनेंट यहां पर बनेगा, एक यहां बनेगा, हम तो परपेंडिकुलर ले रहे हैं। अब सोचो ना, एक रॉड यहां पर है, यहां से फिक्स्ड है, अगर आप फोर्स इसको ऐसे खींचेंगे तो ऑब्वियसली कैसे घूमेगी रॉड, एंटी क्लॉकवाइज। फिर अगर वेट कंफ्यूज कर रहा है, कोई बात नहीं, वेट का कॉम्पोनेंट भी ऐसे ऐड करेगा। अगर आप फोर्स को ऐसे लगा रहे हो दोनों तरफ, तो ऑब्वियसली कैसे घुमाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि वेट और टेंशन दोनों एंटी क्लॉकवाइज और नॉर्मल रिएक्शन क्लॉकवाइज। ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, एक शॉर्टकट भी है, रॉड की उस तरफ की फोर्सेस और रॉड की इस तरफ की फोर्सेस ऑपोजिट टॉर्क लगाती हैं। गेम ही खत्म हो गई, करने की जरूरत है। उधर की अगर आप कह रहे हो क्लॉकवाइज है, तो इन ये दोनों ऑब्वियसली एक ही नेचर के होंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज ही तो होगा। नहीं, ऐसा भी शॉर्टकट है, बट जिनको नहीं पता लगता वो कॉम्पोनेंट ड्रॉ कर करके देखें, जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको, वो सबसे बेस्ट तरीका है। पर इन एनी केस, आपको पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो अब एक काम करते हैं, इसके अंदर टॉर्क की वैल्यूज निकालते हैं और फिर इक्वेट करते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को, ताकि हमारे पास आंसर आए। तो सबसे पहली चीज, इसके अंदर हम एक काम करेंगे कि N1 का टॉर्क निकालते हैं। चलो पहले N1 का, तो N1 का टॉर्क अगर निकालना है, तो ये आपके पास N1 है, ये देखो, ये आपके पास N1 है, ठीक, N1 है, और N1 का एक्सिस है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो बोलो टॉर्क क्या होगा। अगर N1 का एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कहाँ मिलेगा, लॉन्ग एक्स मिलेगा, और जो मुझे दिख रहा है वो इसमें कितना दिख रहा है, X1। देखो इधर कैसे, यहां से देखो, ये आपके पास क्या है, N1 है, ये N1 है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा इसके बीच में, N1 और इसके बीच में, जो कि कितना गिवन है, X1, तो N1 into X1। चलो अब बात करते हैं टेंशन T की।
टेंशन टी इस तरफ है, राइट की तरफ है, यानी कि एक्स एक्सिस में है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पर मिलेगा? वाई में मिलेगा। तो यानी कि अगर टी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा। और ये क्वेश्चन में कितना गिवन है? एक्स फोर, चेक कर सकते हो एक्स फोर। तो क्या आएगा? टी टाइम्स एक्स फोर, कोई डाउट इसमें? अब बात करते हैं वेट डब्ल्यू की। डब्ल्यू का एक्सिस क्या है? वाई। तो अगर वेट वाई एक्सिस में है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पर मिलेगा? एक्स में। तो डब्ल्यू इंटू ये डिस्टेंस कितना है? एक्स थ्री। ये कैंसिल करके मैंने करवाया करेक्शन, ये एक्स थ्री कर लो, तो डब्ल्यू इंटू एक्स थ्री, कोई डाउट इसमें? तो जैसे कि आपने बताया कि एन वन जो है रॉड को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क, और बाकी जो दो फोर्सेस कैसे घुमा रही है? एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का टॉर्क। एक और इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन दो इक्वेशन, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एन वन एज वेल एज एन टू। तो कुछ इस तरीके से एन वन एन टू को आप निकाल सकते हैं। मेथड समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? ठीक, इस क्वेश्चन को देखें एक बार, दो मिनट सोचें। 3 meter लॉन्ग लैडर वेइंग 20 kg लीन्स ऑन फ्रिक्शनलेस वॉल। तो एक 3 meter लंबी लैडर है, 20 kg की लैडर है, और ये जो लैडर है ये दीवार पर टिकी हुई है, और यहाँ फ्रिक्शन जीरो है, कोई फ्रिक्शन नहीं, यहाँ फ्रिक्शन है, फ्लोर पे फ्रिक्शन है, वॉल पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। आपको क्या निकालना है? फाइंड रिएक्शन फोर्सेस ऑफ वॉल एंड फ्लोर। तो वॉल और फ्लोर की रिएक्शन फोर्सेस आपको कैलकुलेट करनी है। 2 मिनट लो, सारी फोर्सेस को देखो, अपना दिमाग लगाओ कैसे करेंगे इसे, ठीक, थोड़ा आइडिया होगा आपको। ओहो,
देखो इस एक ना इसमें प्लीज गिवन कर लो, ये हाफ मीटर और हाफ मीटर, हाफ मीटर AE को लिखो हाफ मीटर, इसको लिखो EC को लिखो हाफ मीटर, टोटल इज 1 मीटर। ये मैं आपको गिवन कर रहा हूं, वैसे इसमें नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, मैं बताता हूं उसको कैसे ढूंढते हैं, उसका तरीका बताता हूं। सबसे पहली चीज इसमें ये आप लोगों को एटलीस्ट ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की कम है और प्रॉब्लम फोर्स और फ्रिक्शन की ज्यादा है। और मैंने कहा भी था वो बेस बनेगा इसका, क्योंकि पहले फोर्स फ्रिक्शन आएगा तब फोर्सेस बनेंगी तब तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम की तो एक ही क्वेश्चन होती है सिर्फ टॉर्क की, बाकी सब कुछ तो फोर्स एंड फ्रिक्शन नहीं इसमें हैंडल किया हुआ है। तो सबसे पहले ये कोई भी फोर्स आपको नहीं दिखाएगा, सिर्फ लैडर दिखाएगा वो क्वेश्चन में। तो आपको इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन N2, यहां नॉर्मल रिएक्शन N1, ये दो फोर्सेस समझ में आती हैं। फिर आपको इसमें लैडर का वेट W समझ में आता है, लैडर का जो वेट है वो कहां एक्ट करेगा, लैडर के एग्जैक्टली सेंटर पे, जो लैडर का वेट है लैडर के सेंटर पे। तो अगर ये 3 मीटर है तो 1.5 मीटर के ऊपर टोटल वेट यहां पे लगा होगा, कोई डाउट इसमें? तो अगर ये 3 मीटर है तो 1.5 मीटर के ऊपर यहां वेट लगा होगा, कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट समझ में आ रही है यहां तक? आगे अब जैसे कोई पूछ रहा था कि ये 3 मीटर है तो कैसे पता लगेगा ये सेंटर पे, क्योंकि वेट सेंटर ऑफ मास पे होता है। तो अगर मैं लैडर को टेढ़ा भी कर दूंगा तो वेट तो अभी भी सेंटर ऑफ मास पे है, तो अगर ये 3 मीटर है तो 1.5 और 1.5 मीटर पे होगा, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? नॉर्मली क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता है आपको ना, ये एंगल गिवन होता है 30 डिग्री 60 डिग्री, कुछ तो गिवन होना ही चाहिए था। ये डिस्टेंसेस नहीं गिवन होते नॉर्मली, क्योंकि अगर आपको ये 3 मीटर पता है, ये 1.5 मीटर पता है, अगर मैं आपको ये एंगल 30 डिग्री दे दूं तो cos 30 इज दिस अपॉन 1.5, तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करके डिस्टेंस निकालते हो। हालांकि इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता ही दिया कि लेट अस सपोज दिस इज हाफ मीटर एंड हाफ मीटर, पर वैसे आपको नॉर्मली एंगल्स गिवन होते हैं और इन एंगल्स की हेल्प से आप ये डिस्टेंस को निकालते हैं, कोई डाउट इसमें? आएंगे आज के क्वेश्चन में हम देखेंगे कुछ एंगल्स गिवन होंगे, एंगल्स की हेल्प से आपको निकालना है। अब यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ये लैडर कहां स्लिप होने की कोशिश करेगी, इस तरफ, तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, मेरी तरफ, लैडर इस तरफ, फ्रिक्शन मेरी तरफ। ये वाला हिस्सा कहां स्लिप होने की कोशिश करेगा, नीचे, अगर यहां फ्रिक्शन होती तो फ्रिक्शन फोर्स कहां पर, ऊपर की तरफ, है ना, अगर ये नीचे गिरती तो फ्रिक्शन, पर उसने कहा फ्रिक्शन लेनी है तो मैंने नहीं ली, पर अगर होती तो फिर ऊपर की तरफ, कोई डाउट इसमें? तो इसमें फोर्सेस क्लियर है यहां तक? तो एक फोर्स N2, N1, फ्रिक्शन, वेट, डिस्टेंसेस गिवन है 2√2, वैसे ये भी मैंने दे दिया आपको, ये 3 मीटर गिवन है, अगर ये एंगल 30 डिग्री गिवन होता फिर आप राइट एंगल ट्रायंगल से साइन 30 इज दिस बाय 3 आंसर निकालते, ठीक, पर मैंने इसमें दे ही दिया तो आसान कर दिया, अदरवाइज आपको ये निकालना होता है, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? अब देखें इसमें टॉर्क और सब, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो सिस्टम गिवन ही है, और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट की फोर्स, तो बोलो फिर ऊपर की फोर्सेस, ऊपर के वेक्टर कौन कौन से नजर आ रहे हैं, एक N2 बस N2 और नीचे के वेक्टर W, तो चलो एक आंसर तो आ गया N2 इज इक्वल टू W। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में N1 N2 निकालना होता है, N2 तो एक मिनट में आ गया, क्योंकि W इसमें 20 kg × g, जी का मतलब है इसमें 10, तो 20 × 10 200 न्यूटन आंसर आ गया, तो एक आंसर तो फटाफट आ ही गया, N2 की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, N1। अब N1 के लिए लेफ्ट की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट की फोर्स, क्योंकि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम तो मेंटेन्ड है ही, अभी तक हमने आधा लगाया, ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, लेफ्ट की फोर्स इक्वल टू राइट की फोर्स, तो चेक करें राइट की फोर्सेस कौन कौन सी हैं, F, लेफ्ट की फोर्स कौन कौन सी हैं, N1, तो N1 किसके इक्वल है, F। दो इक्वेशंस क्लियर है यहां पर, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? ओके, नेक्स्ट, अब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, कई लोग कहेंगे कि ए पॉइंट ले लो, कोई कहेगा बी ले लो, मेरे हिसाब से कोई भी ले लो,
क्योंकि रॉड मूव तो करने से रही, तो इक्विलिब्रियम यहां से ढूंढोगे तो भी रॉड इक्विलिब्रियम में मिलेगी, इक्विलिब्रियम यहां से ढूंढोगे तो भी इक्विलिब्रियम में मिलेगी। ये थोड़ी ना रूल है कि ए से तो इक्विलिब्रियम आ गया, बी से इक्विलिब्रियम नहीं आया। अब कोई भी एक्सिस ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हालांकि मैंने इसमें क्या लिया, ए पॉइंट लिया, वो रीजन बताता हूं मैंने ए पॉइंट क्यों लिया। तो मैं एक काम करता हूं, ए को एक्सिस मानते हुए इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके दिखाता हूं। तो ए को एक्सिस मानते हुए ए इसलिए लिया क्योंकि जब मैं ए को एक्सिस लेता हूं तो बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना टॉर्क जनरेट करेगी, जीरो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो एक्सिस के ऊपर ही काम कर रही है, एक्सिस के अगर ऊपर फोर्स है तो फोर्स का एक्सिस से दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, जीरो, होएगा ही नहीं कुछ भी। उसी तरीके से एन टू कितना लगाए, जीरो। एन टू का टॉर्क होगा नहीं, एफ का टॉर्क होगा नहीं, तो दो टॉर्क तो आपके वैसे उड़ गए, ठीक। तो इस केस में इसका मतलब कि अगर ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके बाद रोटेशन आप कंसिडर कर रहे हो, एन टू और एफ को तो नहीं लोगे, किसको लोगे, एक वेट डब्ल्यू लोगे और एक एन वन लोगे, कोई डाउट इसमें, एन वन और डब्ल्यू लोगे, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। अब देखते हैं डब्ल्यू क्या टॉर्क जनरेट करेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, कितने लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, कितने बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, आंसर क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज कैसे है, पिछले केस में एंटी क्लॉकवाइज दिखवाया था ना, पिछले केस में एंटी क्लॉकवाइज था, तरीका बताया था कि इसका एक कंपोनेंट ले लो इस तरफ और कहा था जब आप रॉड को ऐसे मूव करवाओगे तो रॉड कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज, भाई एक्सिस ये था, अब एक्सिस ये है, यहां से हिंज्ड कर दो रॉड को, फिक्स करो, यहां से नहीं मूव कर सकते, रॉड को घुमाऊं। अब सोचो अगर आप इसे ऐसे खींचेंगे तो रॉड इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगी, जब यानी कि कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आप यहां से हिंज्ड कर रहे थे पहले और आप फोर्स ऐसे लगा रहे थे तो इसके अबाउट कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज, एक्सिस भी देखना है, ये थोड़ी ना कि याद कर लिया अगर इधर को फोर्स लग रही है तो बस क्लॉकवाइज ही क्लॉकवाइज होगा, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो अगर आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अब इमेजिन करो ना ये पेन है और मैं यहां से मूव नहीं करने दूंगा, वैसे रॉड मूव कर सकती है और अगर मैं फोर्स यहां लगाता हूं तो रॉड ऐसे घूमेगी, यही रूल है। और उसी के लिए अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और मैं फोर्स को फिर इधर लगाता हूं तो रॉड ऐसे घूमेगी, तो फर्क नहीं आ गया, ये क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो इस केस में जो मुझे लगता है कि रॉड, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से रॉड कैसे घूमेगी, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एन वन की अगर बात करते हैं तो एन वन का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट यहां कहीं बनेगा, ये पॉइंट हिंज्ड है तो इसको फिक्स मानते हुए रॉड अगर यहां फोर्स लगेगी तो कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉक। और अगर कुछ समझ में ना आए, शॉर्टकट तो है, रॉड के इस तरफ की फोर्सेस और रॉड के इस तरफ की फोर्सेस सेम टॉर्क जनरेट नहीं करेंगी, इधर का टॉर्क के साथ इक्वेट कर दो, वैसे ही आंसर, कुछ नहीं देखना तो ना सी, इधर की फोर्स का टॉर्क निकालो, इधर की फोर्स का टॉर्क निकालो, इक्वेट करो, वैसे ही आंसर आ जाएगा। पर आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे आपको देखना है इसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है यहाँ तक। तो आप चेक कर सकते हो इसमें कि जो टॉर्क निकलेगा किसका, एन वन का और डब्ल्यू का, कैसे निकलेगा, डब्ल्यू को के एक्सिस को नीचे लेके जाओ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ठीक है ना। तो W इनटू, क्योंकि W किस एक्सिस में है, Y एक्सिस में है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस एक्सिस में निकलेगा, X में निकलेगा, तो क्या आएगा, W इनटू दिस डिस्टेंस, ठीक। और साफ पता लग रहा है W इनटू, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो W इनटू दिस डिस्टेंस, ये मैंने आपको लिखवा दिया था अभी हाफ मीटर, वैसे एंगल्स गिवन होते हैं इसमें, सीधा डायरेक्टली करवा दिया, दिस इज हाफ मीटर, तो क्या आएगा, W इनटू 1/2 मीटर, कोई डाउट इसमें टॉर्क के लिए। अब एक काम करते हैं, N1 कितना टॉर्क जनरेट करेगा, N1 के एक्सिस को ड्रॉ कर लो, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से क्या होगा, ये होगा, क्योंकि N1 x एक्सिस में है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस में मिलेगा, y में, तो ये रहा N1 डॉट 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 डॉट, इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मिलेगा और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, टू रूट टू। तो समझ में आ रहा है कि एन वन इंटू टू रूट टू और ये क्या है, W, W का मतलब 20 इंटू जी,
इंटू हाफ। तो एक टॉर्क हमने W का लिया, एक टॉर्क हमने N1 का लिया, ये दो टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करते, कोई डाउट इसमें? तो ये यहां से सॉल्व करके N1 आ गया, N2 तो हमने पहले निकाल लिया था, N1 हमने अब निकाल लिया, और हमारी प्रॉब्लम भी क्या थी, फाइंड N1 एंड N2, कोई डाउट इसमें? ठीक, N1 N2 आ गया। मान लो एक और क्वेश्चन आ जाता है कि पॉइंट A लो, ये रहा एक पॉइंट, इस A पॉइंट पर कॉन्टैक्ट फोर्स बताओ किसका, किसके किसके किस किसने लगाई कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्राउंड ने लैडर के ऊपर, फ्लोर ने लैडर के ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स क्या लगाई? अगर आपको फोर्स एंड फ्रिक्शन याद है तो ग्राउंड इसके ऊपर कुल मिला के दो फोर्सेस लगा रहे हैं, एक N2 और एक F, तो दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी लगा रहे हैं, अंडर रूट ऑफ N2 स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। तो आप चेक कर सकते हो इसमें अंडर रूट ऑफ N2 स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, यहां पे करेक्शन कर लेना, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स बाय लैडर एंड फ्लोर, वॉल नहीं है, लैडर एंड फ्लोर, लैडर और फ्लोर के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स आ गई। ठीक, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट ऑफ N2 स्क्वायर और F स्क्वायर, N2 हमने निकाल लिया, F की वैल्यू ऊपर से आ जाएगी, क्यों? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, N1 और F एक ही बात है, हमने N1 निकाल दिया, समझो F भी निकाल दिया, एक ही बात है। तो क्योंकि N1 की वैल्यू हमने 50/√2 निकाली, तो N1 और F एक ही बात है, तो अब अंडर रूट ऑफ N2 स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, यहां से आपका आंसर आएगा, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो एक प्रॉब्लम आप सॉल्व करो इसे, बिना देखे करना प्लीज, कि बस ये इक्वेशंस खुद बनाना, या मैं आपको चलो क्वेश्चन बोर्ड पे देता हूं, आप प्लीज एक बार बोर्ड पे ट्राई करो खुद से एक बार, कि आपको सिर्फ क्वेश्चन में यही गिवन होगा ये वॉल है और ये फ्लोर है, ये लैडर है, बस ये गिवन है, और लैडर की लेंथ एल गिवन है, और ये थीटा एंगल गिवन है, ठीक, बस इतना सा गिवन है, और साथ में ये भी गिवन है कि यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, यहाँ पे कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है, और यहाँ पे कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है, ठीक, ये गिवन है। आपको N1 N2 बताना है कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन N1 N2 क्या लगेंगे, खुद इक्वेशन बनाओ, खुद फोर्सेस ड्रॉ करो और फिर चेक करो एक बार प्लीज। फ्रिक्शन दोनों में
तो चलो देखो इसे देखते हैं। तो इसमें आपने फोर्सेस जो ड्रॉ की वो की होंगी एक नॉर्मल रिएक्शन N2, एक नॉर्मल रिएक्शन N1, लेंथ इसकी कितनी L, वेट कहाँ पे ऐड करेगा लैडर का एग्जैक्टली लैडर के सेंटर पे mg, ये एंगल कितना है थीटा, और क्योंकि लैडर यहाँ स्लिप होने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन कहाँ ऐड करेगी ऑपोजिट, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ कितना म्यू टू इंटू एन टू, और क्योंकि लैडर नीचे स्लिप होने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन ऊपर म्यू वन इंटू एन वन। फोर्सेस क्लियर है? अब क्योंकि लैडर स्लिप ही नहीं हो रही वो तो इक्विलिब्रियम में है, तो लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स, तो लेफ्ट की फोर्स कौन सी है एन वन और राइट की फोर्स कौन सी है फ्रिक्शन म्यू टू इंटू एन टू। ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक, ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स, ऊपर की तरफ कौन कौन से वेक्टर्स हैं एन टू एंड म्यू वन एन वन और नीचे की तरफ एम जी, तो एन टू म्यू वन एन वन इज इक्वल टू एम जी। गुड आउट, इसमें दो इक्वेशंस। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम किसके अबाउट, अबाउट पॉइंट ओ, तो अगर ओ मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखो कैसे बनेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये फ्रिक्शन टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, ये N2 टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो mg सी बात करते हैं mg, तो mg कैसे टॉर्क लगाएगा, मैं रॉड को यहाँ से यहाँ बनाऊंगा, तो एक फोर्स जैसा कि इसमें एक mg लेंगे, ये एक mg है, एक फोर्स इसमें n वन लेंगे और एक फोर्स इसमें म्यू वन एन वन लेंगे, ऐसे लेंगे राइट। तो इसके अंदर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस तरीके से राइट, तो इसके अंदर mg जो फोर्स है mg कहाँ कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक, mg नीचे की तरफ है, ये लेंथ l है तो हाफ लेंथ क्या होगी l बाई टू, इसमें मान लो ये x है तो cos थीटा विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई l बाई टू, तो x विल बी इक्वल टू l बाई टू इंटू cos थीटा, लिखा हुआ है मैंने सीधा, ये देखो l बाई टू cos थीटा, ठीक, तो ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी इक्वल टू l बाई टू इंटू cos थीटा, ये लो ऐसे, क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर ये जो वेट है mg, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना l बाई टू cos थीटा, तो टॉर्क आ गया, ये टॉर्क कहां लगेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, mg का टॉर्क क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये वेट है, वेट का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर यहां लगेगा तो इसको कैसे घुमाएगा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वेट का टॉर्क क्लॉकवाइज है, ठीक, देखने के लिए कंपोनेंट बनाया वैसे क्लॉकवाइज है, ऑब्वियसली अगर ये क्लॉकवाइज हो इस तरफ वाले सारे एंटी क्लॉकवाइज तो होंगे, शॉर्टकट बताया था, पर फिर भी चलो देखना है तो देख लो, एन वन का कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर रॉड के साथ इसको कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि रॉड यहाँ से हिंज्ड है तो फोर्स अगर इधर लगेगी तो एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे ही ये जो फोर्स है इसका कॉम्पोनेंट यहाँ लगेगा, ये जो फोर्स है इसका कॉम्पोनेंट यहाँ पे लगेगा तो वो भी कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, मैंने बता तो दिया कि जैसे अगर ये रॉड का एक्सिस है, अगर ये वाला जो टॉर्क होगा जो mg टॉर्क लगाएगा, ये दोनों जो टॉर्क लगाएंगे उसके ऑपोजिट लगाएंगे, तो mg का टॉर्क क्या होगा mg into l by 2 cos theta, n1 का टॉर्क क्या होगा n1 into perpendicular distance ये वाला, और ये अगर l है ये theta है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल से l sin theta, तो ये भी कितना l sin theta, तो समझ में आ रहा है यहां पर कि यहां पर जो n1 टॉर्क लगाएगा n1, तो अगर n1 x एक्सिस में है पर पेंडिकुलर डिस्टेंस y में होगा l sin थीटा, ये रहा l sin थीटा, क्योंकि एक्सिस से ढूंढना होता है एक्सिस रोटेशन से, तो n1 into l sin थीटा, क्लियर है यहां तक? ऐसे ही ये ले लेते हैं म्यू वन एन वन की डायरेक्शन कहां पर है y एक्सिस, तो ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, तो अगर ये y एक्सिस है तो पर पेंडिकुलर डिस्टेंस कहां मिलेगा x में, और ये पूरे का पूरा ये ग्राउंड मिलेगा, तो फोर्स into perpendicular distance from the axis, तो force mu1 n1 into perpendicular distance from the axis क्या होगा l, l cos theta, पूरे का पूरा क्या होगा l cos theta, आप चेक कर सकते हो, जो टॉर्क mg ने प्रोड्यूस किया mg into l by 2 cos theta, ये कैसे टॉर्क प्रोड्यूस करेगी clockwise,
एन वन और ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज, तो एन वन इंटू एल साइन थीटा और ये म्यू वन एन वन इंटू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा एल कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर टू। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर वन टू और इन सब इक्वेशन से आप वैल्यू ऑफ एन वन और एन टू को निकाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक, यहाँ तक क्लियर है। आपको एक ऑब्जेक्टिव शीट मिली है, अभी ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 34, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 34 का प्रिंटआउट लें, इसको अभी के अभी सॉल्व करें, इसको भी डिस्कस करेंगे। ये लो, सारी करनी है अभी के अभी, डन, स्टार्ट करें। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जहाँ पर होल मास पड़ा हुआ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ होल वेट पड़ा हुआ है। अब जहाँ मास पड़ा हुआ है वहीं वेट पड़ा हुआ है, वही सेंटर ऑफ मास है, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। एक ही बात है,
कितने लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया? एक अच्छा लो, फिर मेरे को लगा कि तीन चार हो गए होंगे, ज्यादा हो गया। ओके, क्वेश्चन है, सपोज एक कार है, ये कार है, दो टायर आगे दो पीछे, फ्रंट और बैक। तो ये रहा फ्रंट, ये रहा बैक। तो ये अलग जोर लगा रहे हैं, ये अलग जोर लगा रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब सेंटर ऑफ मास गिवन है, फ्रंट से 1.05 मीटर दूर है, तो पीछे से कितने पॉइंट 75, क्योंकि टोटल 1.8 है। तो आगे दोनों टायर्स का नॉर्मल रिएक्शन एन ऑफ फ्रंट है और पीछे से एन ऑफ बैकवर्ड है, और वेट कितना है डब्ल्यू है। ठीक है, यहाँ तक डायग्राम क्लियर है? अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट जो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, रोटेशन इक्विलिब्रियम दोनों होगा। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए अपवर्ड फोर्स का सम इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, एन एफ और एन बी का सम, वेट, वेट कितना है 1800 kg इनटू 9.8, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और दूसरी क्वेश्चन देख लो, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट टॉर्क क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस होंगे, वेट टॉर्क नहीं लगाएगा क्योंकि एक्सिस यही पॉइंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो एन एफ इंटू दिस डिस्टेंस, एन बी इंटू दिस डिस्टेंस बराबर है। इक्वेट करो, एन बी की जगह पुट कर सकते हैं 17640 माइनस एन एफ, सॉल्व किया एन एफ आ गया, सॉल्व किया एन बी आ गया। पर उसने क्वेश्चन में ये पूछा फ्रंट और बैक का नॉर्मल रिएक्शन नहीं निकालना, उसने कहा कि फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय द लेवल रोड ऑन ईच फ्रंट ईच एक फ्रंट व्हील और एक बैक व्हील के ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन है या फोर्स है। हमने जो एन एफ एन बी निकाला ना, कि दोनों टायर्स का है, एक व्हील के लिए, एक चक्के लिए क्या करना पड़ेगा, एन एफ को भी दो से डिवाइड और एन बी को भी दो से, पर व्हील आ जाएगा फ्रंट का और बैक का। ऑप्शन में एक ही आंसर गिवन है, दो गिवन होने चाहिए थे, वो करेक्शन कर लेना, पर मेथड समझ में आ रहा है, ये आंसर है। आंसर ठीक, ऐसा किया था, निकल गया था, ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कैसे करना है इसे। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर ना आपको एक इसमें ना थोड़ी सी करेक्शन, तो क्या मतलब अगर नहीं भी गिवन होगा तो भी आंसर तो आ ही जाएगा। आपको ना टी पॉइंट कुछ इस तरीके से फिगर गिवन है, राइट, आपको गिवन है कि इसकी जो लेंथ है वो एल है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो टू एल है, ये लो गिवन है। क्वेश्चन ये है कि मैं इस अरेंजमेंट पे कहां फोर्स लगाऊं, पॉइंट बताओ कि ये ना रोटेट ना कर जाए। अब देखो अगर मैं फोर्स यहां लगाता हूं, हो सकता है कि ये जैसे ये पेन है, ये टेबल पे पड़ा हुआ है और मैं फोर्स यहां लगाता हूं, हो सकता है ऐसे रोटेट कर जाए। अगर मैं यहां लगाता हूं तो पक्का रोटेट करेगा, मैं चाहता हूं ये रोटेट ना करे, तो पक्की बात है मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे लगाता हूं, कि जब मैं फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगाऊंगा तो ये सीधा ही सीधा जाता जाएगा, ये रोटेट नहीं कर पाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कोई भी बॉडी है जैसे एयरी बॉडी, तो अगर मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल सीधा ही मूव करे, अगर मैं यहां लगाऊंगा रोटेट कर रहा है, यहां रोटेट सेंटर ऑफ मास पे लगाओ, सेंटर ऑफ मास ये बिल्कुल सीधा मूव करता हो जाएगा, रोटेट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन यही है, मैं फोर्स किस पॉइंट पे लगाऊं कि सिस्टम रोटेट ना करे, ये क्वेश्चन है।
तो अब इसका मतलब क्या है, मुझे क्या ढूंढना है, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के लिए अगर लेंथ एल का मास एम है तो इसका मास ऑब्वियसली क्या होगा, 2m होगा, भाई डबल लेंथ है तो डबल मास होगा। और मुझे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, काम करते हैं, ऊपर वाले ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा एग्जैक्टली उसके सेंटर पे, यहां पे नीचे वाले ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, एग्जैक्टली इसके सेंटर पे, एग्जैक्टली इसके सेंटर पे, ऊपर वाले सेंटर ऑफ मास का मास इसके सेंटर पे, नीचे वाले सेंटर ऑफ मास का इसके सेंटर पे, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक? तो आपको क्या करना है इसमें, आपको दोनों ब्लॉक के सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो ये तो समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं भी लाई करेगा, तो इमेजिन कर लेते हैं 0.0 है। अच्छा ये बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, टोटल लेंथ अगर 2l है तो आधी लेंथ क्या है, l, तो 0.l, y एक्सिस में 0.l, इसका मास इसके सेंटर पे है यहां पे, जिसकी दूरी यहां से कितनी है 2l, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0.2l। तो y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 का मतलब क्या है, मान लो ये m1 है, 2m इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, l, m2 कहां पर है, m2 इज m और इसका डिस्टेंस कितना है 2l, डिवाइडेड बाय m प्लस 2m, m कॉमन निकाल के कैंसिल, आंसर आएगा 4l/3। तो यानी कि 4l/3 कहीं यहां कहीं मिलेगा, तो मैं यहां फोर्स लगाऊंगा सेंटर ऑफ मास पे सिस्टम के, ताकि सिस्टम रोटेट ना करे। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक समझ में आ रहा है कैसे इसको सॉल्व करना है? तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ लिया m, जिसका डिस्टेंस है 2l, इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ लिया 2m और जिसका डिस्टेंस है l, तो m1 y1 m2 y2 upon m1 plus m2, आंसर। कोई डाउट इसमें, ये वाला मास इसके सेंटर पे, इसकी दूरी कितनी है 2l, y एक्सिस पे 2l का मतलब x एक्सिस 0 है ना, 0.2l, और इसका सेंटर कहां पर है, 0.l। ये हाइट बता, ये ओरिजिन, ये सारे डिस्टेंस यहां से लेने हैं, क्यों लेने हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला कि मेरे को डिस्टेंसेस कहां से लेने हैं, फ्रॉम पॉइंट C, तो C से इसकी दूरी 2l है ना, C से इसकी दूरी l है, एक की दूरी l है, एक की दूरी 2l है, आंसर क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये लो, आज की अभी ये क्वेश्चन ऐसा अभी हमने मार्क करो ऑप्शन। देखो इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन का डायग्राम तो आपको आता ही है, अभी अभी मैंने क्वेश्चन करने को दिया ही था, ये लेंथ L है, N2 N1 μ1 N1 μ2 N2 और ये mg, और मैंने कहा था एंगल थीटा गिवन होगा, ये L है तो आधा कितना L/2, ये अगर L है ये थीटा तो L sin थीटा, और mg कहां पर इसको कट करेगा, L/2 sin थीटा। तो मैंने मान लिया कि इसमें μ1 प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन अगर आप चार ऑप्शन देखो ना, चारों ऑप्शन में μ1 जीरो है, वो ये मानता है कि μ1 जीरो लेना है, तो μ1 जीरो का मतलब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपना रोल प्ले नहीं करेगी, तो फिर इक्विलिब्रियम में तो गिवन ही है, इक्विलिब्रियम में N1 किसके इक्वल होगा, सिर्फ μ2 N2, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, N1 = μ2 N2, और ऊपर की फोर्स N2 किसके इक्वल होगी, mg, तो N2 = mg, मैंने मान लिया कि ये जीरो है एक मिनट के लिए, तो ये क्वेश्चन आ गई। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इसके अबाउट निकालने, ये दोनों टॉर्क नहीं लगाएंगे, mg कितना टॉर्क लगाएगा, mg into, अगर ये L/2 ये थीटा तो L/2 cos थीटा, तो mg into L/2 cos थीटा, और ऐसे ही n1 कितना टॉर्क लगाएगा, n1 into परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, l,
साइन थीटा, तो एन वन इंटू एल साइन थीटा, कोई डाउट इसमें? तो यहां से सॉल्व करके देखो, एक ऑप्शन मैच कर गया, एन वन टेन थीटा इज इक्वल टू एम जी बाई टू, ऊपर ऑप्शन जरूर आ रहा होगा, देखो एन वन टेन थीटा एम जी बाई टू, बी ऑप्शन आ गया, ठीक। एक और ऑप्शन है इसका सी, बी और आखिरी ऑप्शन सेम है गलती से, एक सी ऑप्शन भी है, चेक करो सी ऑप्शन भी आएगा। सी ऑप्शन में ज्यूम कर लो कि म्यू वन जीरो नहीं है, एक मिनट के लिए म्यू वन के साथ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में म्यू वन की फॉर्म में आंसर निकाल रहा है वो, मैं दिखाता हूं कैसे करना है। ये तो क्लियर है, आ गया, ठीक है ना, ठीक। देखो नेक्स्ट में ना मैंने इक्वेशन बनाई है, मान लो क्योंकि सी ऑप्शन में म्यू वन को यूज कर रहा है वो, दो मिनट के लिए सोचो म्यू वन भी है, तो एन वन तो म्यू टू एन टू है ही है, और अगर इसको कंसिडर करना है तो अपवर्ड फोर्स इज म्यू वन एन वन प्लस एन टू इज इक्वल टू वेट एम जी, तो ऊपर और नीचे की फोर्स को इक्वेट करते हैं, तो ये लो ये एन वन करना प्लीज, एन वन है ये, एन वन म्यू वन नहीं है, एन वन इज इक्वल टू म्यू टू एन टू फर्स्ट इक्वेशन, मतलब कि मैं वैसे बता रहा हूँ अपने स्पीच में बता रहा हूँ कि एन वन होगा ये, एन वन इज इक्वल टू म्यू टू एन टू और म्यू वन एन वन प्लस एन टू इज इक्वल टू एम जी, तो ठीक है ना, म्यू वन एन वन ऊपर आएगा, ठीक, एन टू भी ऊपर आएगा और एम जी नीचे आएगा, और ऐसी एन वन की जगह रिप्लेस करेंगे म्यू टू एन टू तो आंसर ये आएगा, तो आप सी ऑप्शन मार्क कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि उसमें म्यू वन तो जीरो है, हाँ तो कर लो जीरो, इसको उड़ा दो तो आंसर फिर से क्या जाएगा, एम जी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन तो वो करेक्ट ही है, वैसे मेरे हिसाब से सी ऑप्शन पता है क्या होना चाहिए थे, म्यू वन नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए था, मेरे हिसाब से ऑप्शन ये होनी चाहिए थी जो सी ऑप्शन है कि म्यू वन नॉट इक्वल टू जीरो, तो भी ऑप्शन एकदम सही है, इसको करेक्शन करना चाहिए, म्यू वन नॉट इक्वल टू जीरो करो तब सही बैठेगा, नहीं तो कुछ तुक बन नहीं रहा उसका, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, म्यू वन नॉट इक्वल टू जीरो में ऑप्शन मार्क होगा। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, ये नेक्स्ट वाला फिफ्थ हो गया, इसने थोड़ी चलाकी दिखाई, टॉर्क किसके अबाउट निकलवाया, सेंटर ऑफ मास, नहीं तो लोग कॉर्नर के अबाउट एक्सेलर रोटेशन लेते हैं। देखो क्वेश्चन में ये कह दिया एक लैडर ना यहां पर स्टेशनरी है, ठीक है, और आपको कहा गया कि टॉर्क इज अप्लाइड अबाउट लैडर्स सेंटर ऑफ मास, इंपॉर्टेंट है, टॉर्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या लिया, सेंटर ऑफ मास, एंड किसने लगाया, बाय द नॉर्मल फोर्स एफ एन, एफ के पैर में एन, हालांकि मैंने यहां पे एन ले लिया की बात है, वो एफ ऑफ एन बोल रहे लेने को कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल रिएक्शन एन ले लिया या एफ ऑफ एन ले लिया एक ही बात है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये थीटा है, और ये एक्सिस लेते हैं नॉर्मली हम, वो कह रहे हैं ये मत लो अबाउट सेंटर ऑफ मास, लो ये एक्सिस लो, तो अगर आप ये एक्सिस लेते हो तो वेट अब कोई टॉर्क नहीं लगाएगा, क्योंकि वेट तो एक्सिस के ऊपर हो गया, और मैंने ये एक्सिस क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि अबाउट सेंटर ऑफ मास निकाल लो टॉर्क, नहीं तो मैं यहां ना लेता, नहीं तो मैं यहां लेता, तो इसके अबाउट नॉर्मल फोर्स एन, फोर्स वाई एक्सिस में है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स में, तो एन इन टू, अगर ये एल बाई टू, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल से एल बाई टू साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या आएगा, एन इन टू फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एल बाई टू इन टू साइन 90 माइनस थीटा, तो चेक करो एन की जगह सोल्यूशन में मैंने एफ ऑफ एन लिख दिया की बात है, एन या एफ ऑफ एन इन टू एल बाई टू साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, इंपॉर्टेंट आंसर, तो ठीक ठीक है, ये भी एक्सिस ही चेंज करवा दिया, तो लोग जो याद करके गए उनका आंसर गलत हो जाएगा, तो जिनको पता होगा बस वो कर देंगे, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है।
ठीक है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट है एक लैडर है, ये ना नीचे गिरती जा रही है, ये स्लिप हो गई। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताओ, कैसे ये पाथ ट्रेस करेगा? देखो ये रॉड है, पहली बात तो जब रॉड नीचे गिरेगी यार, सेंटर ऑफ मास रॉड के अंदर नीचे गिरेगा, ये कह रहा है उछल के बाहर, ऐसे कैसे आएगा? ये तो हो ही नहीं सकता, बाहर कैसे आ जाएगा, बाहर की तरफ, मतलब ये नीचे गिरेगी तो सेंटर ऑफ मास नीचे ही गिरेगा ऑब्वियसली। सेंटर ऑफ मास जब ये नीचे गिरेगी तो सेंटर ऑफ मास, ये आंसर क्यों होगा मैं वैसे सीधा बता देता हूँ। मान लो ये ए दिख रहा है, ये लिखा हुआ है, ये सेंटर ऑफ मास है। सोचो ये नीचे गिर रहा है, और नीचे मीन्स ऐसे नहीं, स्लिप होता हुआ नीचे गिर रहा है। तो देखो स्लिप होता हुआ ए नीचे गिर रहा है, देख रहे हो सेंटर ऑफ मास, ये देखो ये पाथ होगा सेंटर ऑफ मास, ये तो हो ही नहीं सकता नीचे की तरफ। ये तो तब होता है जब रॉड ऐसे गिरती है, तो सेंटर ऑफ मास सीधा नीचे गिरता है, ये तो हो ही सकता यहां से यहां चला गया, जो नीचे गिर गई रॉड तो यहां से यहां कैसे आ गया, तो ये पाथ फॉलो करेगी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है स्ट्रीट लाइट जिसका मास एम है, हालांकि मेरे को एम जी यहां नहीं, मुझको एम जी लैंप में ड्रॉ करना चाहिए था, क्या कोई बात नहीं, एक रॉड है एक लैंप है, वेट एम जी है। कह रहे ये केबल यहां बांधे, यहां बांधे या बिल्कुल नीचे बांधे, कहां बांधे ताकि मोर स्टडी रहे, स्टडी रहे मतलब कि मजबूत रहे, नहीं मेरे को समझ में नहीं आया तो मैंने लिख दिया मजबूत रहे वो, देख ठीक है लिख के लाया हूं मैं, ठीक है तो ज्यादा मजबूत रहे, ठीक है स्टेबल रहे, स्टडी रहे, ठीक। तो अब कहाँ बांधे? नहीं वैसे तो कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर मतलब एक बिल्डिंग के कॉर्नर पे रॉड पे लैंप लगाना है, वो सामने इतना बड़ा लैंप है, तो यार ये मैं बाहर हवा में जा नहीं सकता बिल्डिंग के, तो मतलब मैं यहीं बांधूंगा, तो या चलो मैं एग्जांपल चेंज करता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ कि जैसे ये रॉड है, ठीक, तो केबल मैं कहाँ बांधूँ, चलो ऐसे बोलता हूँ, ताकि ये यहाँ टिका रहे जैसे भी है। तो आप लोग इसका आंसर क्या मार्क करते हो? ए बिल्कुल सही है क्या? और क्यों मुझे आंसर बताओ, क्यों ऐसा क्यों, क्यों इसमें प्रॉब्लम क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या, नीचे बांधो और यहाँ बांधो, या बांधो हल्का सा हिंजिस के पास, बिल्कुल यही बोल रहा था मैं, हिंजिस के पास कैसे बांधोगे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर टूट गया ना तो रॉड इस एक्सिस के बाउट घूम जाएगी, आप जाके यही फोर्स लगाते रहोगे तो फिर फायदा क्या उस चीज का। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि यहां पर जो लैंप है वो टॉर्क जनरेट कर रहा है, ये देखो कैसे फोर्स, ये फोर्स वेट, गलती से यहां बन गया, यहां बनना चाहिए था वेट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अब मेरे को रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रखना है इसे रॉड को ताकि घूम ना जाए, तो मेरे को टेंशन यहां देनी पड़ेगी रॉड की या स्ट्रिंग की, टेंशन दूर से दूर दो, क्यों, क्योंकि टी जितना दूर होगा, टी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही बड़ा होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की उतना ही ज्यादा होगा, अगर नजदीक हो गया तो ये डिस्टेंस कम होगा, टॉर्क उतना ही कम हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तभी ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो दूर से दूर जाके रस्सी को बांधना ताकि क्लॉकवाइज वेट का जो क्लॉकवाइज टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के साथ क्या कर जाए, बैलेंस कर जाए। क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट एथ क्वेश्चन जिसके अंदर ये गिवन है कि अगेन ये मैंने किया नहीं, यहां पे ऐसे है, दो नाइफ्स हैं, ए पॉइंट है बी पॉइंट है, ये एन ऑफ ए है, ये एन ऑफ बी है, और डब्ल्यू वेट है इसका, नाइफ्स का डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है डी है, हमने किया था नाइफ वाला क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन में गिवन है इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, तो ये कितना है डी माइनस एक्स, सेंटर ऑफ मास पे वेट लगा हुआ है डब्ल्यू, ये लो डब्ल्यू वेट है, राइट। तो आपको बताना है कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एन ए क्या होगा, जो पहली क्वेश्चन है दैट इज एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू वेट डब्ल्यू, कोई डाउट इसमें? दूसरी क्वेश्चन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है सेंटर ऑफ मास, तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो एन ए इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू एन बी
इन टू डी माइनस एक्स, बस इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एन ए की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक। अगली बार मेन रोटेशनल, जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो स्टार्ट होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा नेक्स्ट टाइम का।